जिले के बलसोद नगर में मंगलवार को साप्ताहिक हाट के दौरान लगने वाले पशु बाजार में पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए आने वाले किसानों और पशुपालकों के साथ व्यापारियों से पंजीयन शुल्क के नाम पर भारी भरकम पैसा लिया जा रहा है। उनका कहना है कि पशु बाजार में ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक पैसा लिया जाता है। भोले भाले ग्रामीण इसे लेकर विरोध भी नहीं कर पाते हैं। किसानों और पशुपालकों के इन आरोपों पर ठेकेदार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जा रहा है। आरोप लगाने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी ठेकेदार खुद को सही और किसानों के साथ पशुपालकों को झूठा ठहरा रहा है। बता दें कि पलसूद में प्रति मंगलवार को कृषि उपज मंडी में पशु बाजार लगता है, जहां दूर दराज क्षेत्रों से भी हजारों लोग यहां पशुओं की खरीदी बिक्री करने पहुंचते हैं। इनमें कई किसान, पशुपालक और व्यापारी होते हैं। मंडी में पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा मंडी में पशुओं को लेकर जाने पर प्रवेश शुल्क के रूप में 50 से 100 रुपए तक लिए जाते हैं, जबकि उन्हें दी जाने वाली पर्ची में 10 रुपए लिखे जाते हैं। वहीं पशुओं की खरीदी बिक्री होने पर भी बिक्री करने वाले और खरीदी करने वाले दोनों लोगों से 3 से 4 गुना अधिक पैसा अलग अलग वसूला जाता है। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। अनिल कहाँ से आए हो? सिदली से। क्या लेकर आए हो? कहे हम बेल लेके आते। कितने बेल लाए हो? 2 जोड़ी। कितना पैसा लिया आपने? हाँ अभी तो बैठक के 100 रुपए लेते हैं। अच्छा हाँ। रसीद कितने की दी है? रसीद तो क्या कुछ नितते नहीं, वहाँ पैसे नहीं चढ़ाते। पैसे नहीं चढ़ाते रसीद पे। रसीद दी आपको? रसीद नहीं दी आप, ऐसे अभी ले जाते तो ले लेते, पैसे निकाल देते बेल। जोड़ी के कितना पैसा लेते? 100 रुपए ले लेते, बाद में बिकने के बाद कितना लेते हैं? 600 जोड़ी के। हाँ दो दो लेने वाले से 600 ले लेते, बेचने वाले से 600 ले लेते। क्या लगता है आपको सही है? नहीं सही नहीं, गलत है। क्या चाहते हो आप? हम 400 रुपए नक देते, दो बेल के 400 देते। हाँ नियम क्या है? 400 ठेकाया जब से 400 बोला था वहाँ। अच्छा, और 1200 रुपए लेते? हाँ जोड़ी के 1200। राजेंद्र वर्मा, क्या हो आप यहाँ पे मंडी में? ये मंडी में हम पार्टनर हैं, ठेकेदार और हम पार्टनरी में, मेरा ठेका है हमारा। अच्छा, प्रवेश शुल्क कितना लिया जा रहा है? 10 रुपए। और खरीदार और बेचवाल? खरीदार और बेचवाल से बेलों के 200 रुपए ले रहे हैं, बेचवाल से 200 रुपए खरीदार से ले रहे हैं, बकरों में 100 रुपए बेचवाल से, 100 रुपए खरीदार से ले रहे हैं। अच्छा, जो पशुपालकों का कहना है कि आपका जोड़ी के 600 में 1200 रुपए ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो सब झूठी अफवाहें हैं। कुछ लोग जो पार्षद लोग हैं उनको अफवाह, पार्षदों ने नहीं, किसान आए बेचने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी जाँच करवा सकते हो। अगर हम 10 से 15 किसानों ने बयान दिया, बिल्कुल आप उसकी जाँच करवा सकते हैं नगर पंचायत, अगर हम कोई गलत ले रहे हैं तो, और अगर हम गलत पाए जाते हमारा ठेका निरस्त कर दे पंचायत। अब क्या निरस्त करेंगे, तो काफी समय से चला रहा अवैध वसूली का आरोप लगाए। नहीं नहीं, कोई किसी तरह कोई अवैध वसूली नहीं हो रही है, जो कायदे का पंचायत का पैसा वही हम ले रहे हैं। इसके पहले भी लोगों को अगर कोई आपत्ति हो तो पंचायत में शिकायत करी, पंचायत ने 4 बार जाँच करवा ली है, हम सही पाए गए और फिर जाँच करवा ली। सुनकर पर्ची में 10 लिखा और आप 100 रुपए? नहीं नहीं, 10 ही रुपए ले रहे हैं हम। किसान झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जी, हम 10 ही रुपए ले रहे हैं। साई सिंह नरगावे, वार्ड 1 का पार्षदपति। अच्छा, मंडी में आए हो आप? सर हमको शिकायत आ रही है, हमारे आदिवासी समाज कई दिनों से बोल रहे थे कि हमारे से पैसे ज़्यादा ले रहे, मतलब प्रवेश शुल्क 50 रुपये बेल के प्रति नग के लेते थे, अभी मेरे सामने 20 रुपये प्रवेश बकरे के लिए, उनके पास चिट्ठी भी मेरे पास है उनकी, और वो बोले कि ये पुराना कट्टा है, बोले मैंने उनके पास 10 रुपये लिखा हुआ इस पर चिट्ठी पर, बोले कि हम यही ले रहे, बोले मैंने बोले 20 रुपये उस पर लिखवाया है, वो ऐसे लिख दिए उन्होंने ऊपर टप्पे, और 1200 रुपये जोड़ भी ले रहे, वो पहले भी वीडियो बना चुका है इनका मेरे, तो ये मनमानी चला रहे, अभी तो वसूली चल रही। आपने कभी शिकायत की थी? शिकायत की थी, अवगत कराए थे, पर उन्होंने थोड़े दिन के लिए बंद कर दी, उसके बाद वो वापस चालू कर दी। क्या मानते हो उसे? ये अवैध वसूली है, इसको बंद किया जाए। ठेकेदार की मनमानी चला रहे, और इनका नौकर नाबे भी दादागिरी से वसूली करते है, अपने मनमानी से वसूली करते है, दबंग धमकाते है लोगों को, हमारे आदिवासी भोले वाले डर जाते, मतलब कि बेल छीनना मेरे सामने कई बार हुआ, बकरे भी छीनना मेरे सामने हुआ है। अच्छा, कितने कहाँ कहाँ से आते हैं किसान यहाँ पे? ऐसे 25-30 गांव से लगभग आते हैं, लगभग ऐसे बोरी केली से भी आते हैं, पार्टी के लगभग भी ये लोग आते हैं, इधर मनवाड़ी जोड़ाई के से भी आते हैं, काजल माता की भी आते हैं, बहुत सारे आसपास के लोग आते हैं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि नियमित रूप से वसूली हो, अवैध वसूली नहीं है, हमारे आदिवासी किसानों को लूटा ना जाए। और ये जो मवेशी खरीदने आते हैं इन कृषकों के साथ ठेकेदार द्वारा जातिवाद शब्द भी यूज होते हैं, मेरे अंकल का लड़का है उसको भी आदिवासी शब्द से यूज होता है, मैंने 2-3 बार बोल दिया, पर ठीक है गांव के लोगों को करते आपसे संबंध में मान लेते अपन कि ठीक है व्यक्तिगत। महाकाल पार्षद
वार्ड क्रमांक 10 में पार्षद हूँ। अच्छा, यहाँ पर बेल बेजार बैठक की वसूली अवैध होती है, 400 रुपये लेने की है और 50 रुपये यहाँ पर चीटी खाते हैं, जबकि 10 रुपये और बेल वाले 50 रुपये है और अवैध वसूली करी जाती है। 600 रुपये लेवाल से, 600 रुपये देवाल से, दोनों से होती है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर बेचने वाले और देने वाले बहुत सारे परेशान हैं व्यक्ति, और वो बोलते हैं कि अवैध वसूली की जाती है, हम गरीबों से, हम किसान हैं, कहाँ से लाए इतना पैसा, हम तो बेचने आते हैं और पैसा हमारे से यहीं वसूली कर ली जाती है और चिट्ठी अलग कटती है। और ये भी परिषद में अवगत कराया गया नगर परिषद में, पर वो बोलते हैं कि हम तो इतना ही लेंगे जितना हमको, मतलब हमारा ठेका इतना महंगा गया है तो हम ठेके के हिसाब से पैसे लेंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, ये जो प्रवेश शुल्क की 10 की रसीद दे रहे और ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हाँ, वो रसीद भी नहीं देती है, सिर्फ वो लिख के दे देते हैं, रसीद दे देते हैं और बोलते हैं कि यही मिलेगा जो आप लिखी हुई 10 रुपए देते हैं और लेते हैं 50 रुपए इन लोगों से। अच्छा, आप पार्षद हो, आपने नगर परिषद में कभी अवगत कराया इसको लेकर? हाँ, कराया है और हमने लिखित में भी दिया हुआ है, पिछली बार 2-3 महीने पहले भी लिखित में दिया था कि आप अवैध वसूली मत करो, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही? नहीं दे रही है। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते कि नगर परिषद इस बेचारे आदिवासियों पे वो करे और अवैध वसूली बंद करे, जो लेन है, जो देना है वो ही लो और जो है वो ही। राजेंद्र कुमार शर्मा, सीएमओ मुख्य नगर अधिकारी नगर परिषद बलसूर। तो सर, ये पशु बाजार में अवैध वसूली हो रही है कि किसानों और पशुपालकों से? मैं संज्ञान में मामला आया नहीं है, किस तरह की ऐसी अवैध वसूली हो रही है जानकारी प्राप्त करूंगा मैं। सर, ये निर्धारित शुल्क क्या है सर पशुओं का? पशुओं की शायद 200 रुपये जोड़ी है बैलों की और 100 रुपये गाय और बैल की, गाय और भैंस वगैरह की है। मुर्गा मुर्गियों की जानकारी मैं मालूम कर लूंगा, ये शायद 50 रुपये होगी, ज्यादा नहीं, बकरा की है 50। जितना निर्धारित शुल्क है उससे 2 से 3 गुना पैसा वसूल रहे ठेकेदारों द्वारा। उसका हमको साक्ष्य मिल लो तो हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य है ना सर, किसानों के वहाँ पर बोला गया है, अब हम प्रस्तुत करें, हम कार्रवाई करेंगे। सर, पार्षदों ने भी 4 महीने पहले आवेदन दिया था अवैध वसूली के खिलाफ, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं उसकी जानकारी लेता हूँ, वो नोटिस जारी करे थे और देख लेता हूँ। सर, ठेका कितने में हुआ पशु बाजार? सर, लगभग 40 लाख हुआ है। अब तक कितना जमा हो गया सर ठेकेदार का? अब सब जानकारी फाइल लेकर बता पाऊंगा। अब तो जानकारी नहीं है? इतनी जानकारी नहीं, कुछ किस्त शेष है। अच्छा, शेष जल्दी जमा करने की कार्रवाई हो रही है। सर, अगर सही जांच में आता है तो क्या कार्रवाई होगी ठेकेदार? खराब कार्य करेंगे। सर, किसानों द्वारा इल्जाम लगाया गया है कि 1200 रुपये ली जा रहे हैं, 600 दादागिरी भी की जा रही है, अभी सब उसके लिए कार्रवाई करें, लिख के शिकायत करें।